ओके सर, सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स फैशन ग्रेस से अक्षय। थैंक यू सो मच। अच्छा, क्या कहना चाहोगे, पोलखोल सेगमेंट है, आपको क्या लगता है आप कितना ज्यादा रिवीलिंग होने वाला है ये पोलखोल सेगमेंट? यार मेरे साथ ना एक बहुत अच्छी चीज है कि लास्ट सेट पे भी ये था और इस सेट पे भी धीरे धीरे बन रहा है। मुझे ऑलमोस्ट हर लोग कुछ ना कुछ सीक्रेट्स बता ही देते हैं और मैं ऐसे किसी को बताता नहीं हूँ, जाकर चुगलिया नहीं करता हूँ। तो अब डिपेंड करता है आप क्या क्या पूछने वाले। फूडी तो सारे लोग ही फूडी हैं, बट आई वुड से आशीष सर बहुत ज्यादा फूडी हैं। उनको ही होता है कि आज कौन खाने में क्या लाया है, वो जाके पूछ लेंगे आप क्या लाए हो, आप क्या लाए हो। तो ही इज अ बिग प्रैंकस्टर। अभी तक ऐसा हमने कोई बहुत बड़े बड़े प्रैंक्स किए नहीं है, बट मैं और अनिंदिता मैम बहुत ज्यादा फन करते रहते हैं, कुछ ना कुछ मस्ती मजाक चलता रहता है, तो थोड़ा बहुत हमने स्टार्ट कर रखा है। अच्छा, कोई एक ऐसा फनी प्रैंक अपना शेयर करना चाहेंगे जहाँ पे सबको आपने हिला कर रख दिया, शॉक कर दिया? नहीं आज सच अभी कोई ऐसा कोई ऐसा ही नहीं हुआ, बट हमने नीतू के हम बहुत थोड़े मजाक करते हैं उसके साथ। नहीं यार, नहीं नहीं कुछ नहीं बता नहीं सकते यार, थोड़ा पर्सनल है अभी हमारे लोगों के बीच में। दीक्षा स्लीपिंग ब्यूटी आज मैं 3 बार उसके रनिंदिता जी के रूम में गया हूँ और अपना ब्लैंकेट लेके ऐसे पड़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था वो रेल के डब्बों में पड़े नहीं होते, वो ऐसे नींद आ रही है जब स्टेशन आएगा उठेंगे, तब वैसे पड़ी हुई थी दीक्षा जो सिमरन की बड़ी बहन बनी। एक दो बार मैं ही थोड़ा बहुत लेट हो गया, बट एज सच कोई भी लेट लतीफ नहीं है हमारे से। शॉर्ट टेम्पर्ड मैं हूँ थोड़ा सा, बिकॉज ऐसे नहीं कि लड़ना झगड़ना, मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे गर्मी बहुत लगती है और एसी का अगर प्रॉब्लम होना 2-3 बार 4 बार बोल लो अगर नहीं हो पाए तो सीन खराब हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ कि प्लीज एसी ऑन तेज कर दो, समथिंग लाइक दैट। तो वहां थोड़ा सा ना हो, बट नॉट एज सच की चिल्लाऊं। यार ऑलमोस्ट सारे ही हैं, मतलब बहुत हैप्पी, मतलब सारे बहुत बढ़िया आनंद है। मैम, अमित जी, मेरे जितने भी भाई बहन, अब स्मिता, नीतू, मयंक, मैं, सारे हम, सारा सिमरन की फैमिली, मेरी फैमिली, हम हंसते खेलते एक दूसरे से कुछ ना कुछ हंसी मजाक करते रहते हैं, रील्स बनाते रहते हैं, तो अभी तक तो फनी चलता है। अमित सर का ह्यूमर अच्छा, अमित सर रिप्लाई बहुत अच्छा देते हैं, तो जोकर नहीं बोल सकते, उनके साथ बात करके उनके साथ हंसी मजाक बहुत होता है। नहीं अभी तक ऐसा मुझे इतना लगा, बट हाँ सिमरन अभी थोड़ा सा अपने शेल में है, थोड़ा रिजर्व ही है सबके साथ, बट मूड ही नहीं बोल सकते। कभी कभी वो थोड़ी सी हंसती खेलती, सबसे थोड़ी बहुत बात कर लेती, कभी कभी वो अपने उसमें रहती है। वो हम सब है यार, मतलब हम 5-6 जन हैं, हम कभी ना कभी किसी ना किसी के रूम में ही मिलते हैं। मैं अपने आप को भी बोल सकता हूँ, अमित सर को बोल सकता हूँ, आशीष सर को बोल सकता हूँ, अनिंदिता मैम को बोल सकता हूँ, तो है हम 4-5 लोग चट्टर चाटर वाले। गुड, आई एम अ वेरी गुड लिसनर, मतलब यहाँ से साइड से हट के आई एम अ वेरी गुड लिसनर, मैं सबकी बात बहुत अच्छे से सुनता हूँ। यार इतने क्वेश्चन पूछ लेते तो आर्टिस्ट नहीं है हमारे शो में, ड्रामा किंग क्वीन नहीं अभी तक कोई नहीं, अगर आप उसके हिसाब से देखो कैरेक्टर के हिसाब से तो ज्वाला मैम है पूरी, तो ड्रामा क्वीन नहीं, लेजी कोई नहीं है, जब 10 घंटे हो जाते हैं लेजी हर कोई हो जाता है, बस उतना ही है। मैं अपने बालों से बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ, उसके अलावा मुझे बाकियों का नहीं पता है। यार ये तो पॉलिटिक्स बोलते हैं इसको, ये पिछले सेट पे हुआ था एका जनों के साथ, अभी टचवुड यहाँ नहीं निकला, ना ही निकले अभी तक, ऐसा कोई नहीं है। यार जो मेरा छोटा भाई बना मयंक चंचल, उसके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, मे बी बिकॉज ऑफ वन रीजन, हम दोनों दिल्ली से हैं तो हम दोनों का बॉन्ड बहुत अच्छा हो गया, ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन जैसे उल्टा है, ऑफ स्क्रीन उसका उल्टा है। एंड अदर देन दैट मेरा सबसे ही काइंड ऑफ बॉन्ड बहुत अच्छा है, अनिंदिता मैम आती है उनके साथ बहुत फन होता है, अमित सर होते हैं, अनन्या मैम होती है उनके साथ फन होता है, आशीष सर के साथ फन होता है, भाई बहन होते हैं उनके साथ होता है, बट एक बहुत अच्छा एक काइंड ऑफ एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड विद मयंक हैज स्टार्टेड। यार नहीं ऐसे में किसी का नाम नहीं लूंगा, अभी तक किसी ने ज्यादा टाइम नहीं लिया। अनन्या मैम के अंदर जो एनर्जी आती है, सामने से कोई एक्टर ढीला भी कर रहा होगा वो भी कर देता है ढंग से, अनन्या मैम फॉर श्योर। सबको और मुझे भी 7:30 होते ही कि लास्ट सीन कौन सा है, अरे ये वाला तो हो नहीं पाएगा, 7 बज गए, तो सबको और मुझे भी, मैं तो फॉर श्योर हूँ, और आनंदिता मैम को भी बोल सकते हैं, अमित सर को भी बोल सकते हैं, सभी हैं यार, मैं भी हूँ। सिमरन थोड़ा बहुत हम्बल कर रही थी स्टार्टिंग में, जस्ट बिकॉज ऑफ आउट ऑफ प्रैक्टिस, काफी टाइम से हम दोनों नहीं कर रहे थे, बट अभी कोई नहीं। यार फैंस के लिए तो मैं क्या कुछ बोलूं, सब कुछ कम है, मतलब 6-7 महीने 8 महीने का गैप आ गया, बट फैंस जो लोग जो इतना प्यार करते, कोई पीछे नहीं हटा, थैंक यू सो मच फॉर दैट।
उसी वजह से कहीं ना एक उम्मीदें जुड़ी हुई थी कि नहीं यार अभी आएगा शो और अच्छा काम करेंगे, एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे. तो थैंक यू सो मच टू एवरी वन ऑफ यू. एडिटिंग वाली पिक्चर्स देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे देखता हूँ, बहुत प्यार मिलता. I'm really glad, I'm really thank you for that. Thank you so much, Akshay. Thank you.